सारे बीजेपी के दंगाई नेता सब मंत्री और सांसद बन के बैठे हैं, तो ये लोग खुद देशद्रोही हैं और देशद्रोहियों के पास सत्ता चला गया है। मोदी जी को कि आप इस्तीफा दे के निकल जाइए, नहीं तो आपको जनता दौरा दौरा के मारेगी और आपको भागने का जगह नहीं मिलेगा। देश की अर्थव्यवस्था को तबाह किया है, जिस प्रकार से युवाओं के भविष्य को कटघरे में खड़ा किया है, वो बेरोजगार युवा रोड पे भटक रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी और ये अमित शाह, ये दो गुजराती यहाँ पे बिल्कुल असफल साबित होंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों का मैंडेट बीजेपी के खिलाफ था और यह परिवर्तन की भूमि रही है। और इस बार इस चुनाव में बिहार के लोग पूरी तरीके से इनको इनकी औकात दिखाने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं देव, आप देख रहे हैं इस समय लोकतंत्र टीवी। दिल्ली में कल रात उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया है। अब ये कहना है पुलिस प्रशासन का कि जबरन उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया है यूएपीए का। पूरे देश में लगातार इस बात का विरोध हो रहा है कि आखिर दलित मुस्लिमों को क्यों टारगेट किया जा रहा है। आपको याद होगा कि डॉक्टर कपिल खान को इससे पहले हिरासत में लिया गया था। अखिल गोगोई या तमाम ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो लगातार मुकदमा किया जा रहा है। मनीष जी, क्या लग रहा है, जिस तरीके से उमर खालिद को टारगेट किया गया, काफ़ी दिनों से दिल्ली राइट्स को लेकर लगातार टारगेट किया जा रहा है, अब कल रात उनकी देर रात को गिरफ्तारी हो जाती है, इस पर पूरा जो है प्रशासन चुप है, राजनेता चुप है, लेकिन कुछ एक्टिविस्ट जो है पूरे देश में इस बात की लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि उमर खालिद को रिहा करो। आपको क्या लगता है, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, यह सरकार हर मोर्चे पे फेल हो चुकी है। ना ये युवाओं को रोज़गार दे पाई, ना इन्होंने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे, ये 2000 युवाओं को रोज़गार नहीं दे पाई। और इस सरकार के अंदर इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है आने के बाद, सारे बीजेपी के दंगाई नेता सब मंत्री और सांसद बन के बैठे हैं। तो जिस प्रकार से पूरे देश में लोगों के अंदर आक्रोश है, लोग इस सरकार से नाखुश है, छात्र सड़क पे आ रहे हैं, किसान सड़क पे आ रहे हैं, मजदूर सड़क पे आ रहे हैं, तो इन सारे चीज़ों को जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो आवाज़ उठाते हैं, वो बोलते हैं तो उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। आप देखे होंगे कि जेएनयू की घटना, जेएनयू में किस प्रकार से दिल्ली के नाक के नीचे दिल्ली पुलिस आखिर क्या कर रही थी जेएनयू के अंदर, कहां से गुंडा आके, और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि जेएनयू कैंपस में घुस के किस प्रकार से छात्रों को मारा गया था, यही घटना जामिया में हुई थी। तो ये लोग खुद देशद्रोही हैं और देशद्रोहियों के पास सत्ता चला गया है। और उमर खालिद जैसे लोग, उमर खालिद का हमने स्पीच सुना, हम देखे इतना अच्छा वो स्पीच दे, इतना अच्छा भाषण दे रहे थे वो, और उनको गिरफ्तार किया गया। वो ये कहते हैं कि हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, आप दंगा भड़काओगे तो हम झंडा लहराएंगे, आप गोली मारेंगे तो हम संविधान लहराएंगे। और ऐसे युवा एक्टिविस्ट को जो लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, जो दलित मुस्लिम के साथ जो अत्याचार हो रहा है यूपी के अंदर हर रोज़, यूपी योगी गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को इनकाउंटर किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, जो आवाज़ उठा रहे हैं उनको मार, तो ऐसे लोगों को वो बंद करना चाहते हैं, उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, जिसके लिए अभी उनको यूएपीए के तहत उनको गिरफ्तार किया गया, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम लोग इसकी कड़े शब्दों में विरोध करते हैं, और हम लोग रोड पे भी आने की बात आएगी तो हम लोग रोड पे आएंगे। कहा जा रहा है कि दिल्ली हिंसा को लेकर गिरफ्तारी हुई है और काफ़ी दिनों से इस बात की तलाश थी कि किसी तरह जो है उमर खालिद को गिरफ्तार किया जाए। काफ़ी टाइम हो गया दिल्ली दंगा हिंसा को लेकर, अब जाकर गिरफ्तारी हुई है। इसी प्रकार कभी कन्हैया पर इस तरह का जो है तलवार लटका हुआ था, फिर उमर खालिद पर, कभी डॉक्टर कफील पर, क्या मुस्लिमों को चुन चुन कर इस तरह से टारगेट करना बीजेपी के लिए सही है या खतरे से खाली नहीं है? देखिए, जिस प्रकार से आप दिल्ली दंगा की बात कर रहे हैं, तो 23 फरवरी के दिन कपिल मिश्रा ये कहता है कि ट्रंप उस समय आया हुआ था गुजरात में, ट्रंप को जाने दो, उसके बाद दिल्ली में जो पुलिस पदाधिकारी वो बोला था कि ट्रंप दिल्ली के अंदर डीसीपी वहां पे मौजूद होते हैं, और ये मिश्रा ये कहता है कपिल मिश्रा कि
ट्रंप को जाने दो और उसके बाद आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे, जो होगा वो आप लोग देख लेंगे। तो इस प्रकार ऐसे बयान देने वाले लोगों को खुलेआम छूट दे दिया जाता है, उनके ऊपर कोई दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। वही शाहीन बाग में जो शांतिपूर्ण तरीके से CANRC के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहा था, जो पूरी दुनिया में इस प्रोटेस्ट की सराहना हुई कि इतनी शालीन महिला जिस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से कई महीनों से प्रोटेस्ट कर रही थी, उनके बीच में वहां पे जाके गोली चलाया गया, वैसे लोगों को बेल दे दी जाती है। और उमर खालिद जैसे लोग, कफील खान जैसे लोग जो समाज में जाके गरीब बच्चों को चमकी बुखार जैसे महामारी में मदद करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, और वैसे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। अखिल गोगोई जैसे किसान नेता को गिरफ्तार किया जाता है। IPS संजीव भट्ट जो ये गुजरात दंगा में, अगर उनको बाहर निकाला जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो अभी आप देख रहे हैं बड़े बड़े पद पे बैठे हैं, वैसे लोगों को, वैसे लोग जेल के सलाखों के अंदर होंगे। इसलिए वैसे ईमानदार पुलिस अफसर को जेल में रखा गया है, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या लग रहा है कि BJP सांसद और BJP नेताओं ने जिस तरीके से शाहीन बाग पर टिप्पणी करी कि ये 500 रुपये में काम करने वाली महिलाएं, 500 रुपये में गलत तरीके से टिप्पणी की गई थी, मैं बोल नहीं सकता, उसको देखकर उस पर कोई FIR नहीं होता है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता है, लेकिन अगर वही कोई मुस्लिम या कोई दलित बोले तो उस पर पूरा जो है BJP का जो है प्रशासन टूट पड़ता है। हिमाचल प्रदेश का एक सांसद है अनुराग ठाकुर, जो गोली मारने की बात करता है बीच स्टेट से जहां लाखों लोग मौजूद होते हैं, मीडिया में वो चीज़ कवरेज है दिल्ली चुनाव में, और उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता है। और ये जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रही थी शाहीन बाग, और पूरे देश में ऐसी बहुत सारी घटना आई थी जो ABVP और RSS के लोग वहाँ पे दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे, हिंदू मुसलमान की लड़ाई लगवाने की कोशिश कर रहे थे, तो ये सरकार पूरी तरीके से फेल्योर हो चुकी है। ये सरकार अभी वेंटिलेटर पे है, इनको हम तो ये कहते हैं मोदी जी को कि आप इस्तीफा दे के निकल जाइए, नहीं तो आपको जनता दौरा दौरा के मारेगी और आपको भागने का जगह नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से आपने देश की अर्थव्यवस्था को तबाह किया है, जिस प्रकार से युवाओं के भविष्य को कटघरे में खड़ा किया है, वो बेरोजगार युवा रोड पे भटक रहे हैं, पढ़ लिख के लोग उनको काम नहीं मिल रहा है, किसान को उनका जो फसल होता है वो फसल उचित दाम नहीं मिल रहा है, और वो बाढ़ आ जाती है, सुखाड़ आ जाता है, तो किसान तबाह है। किसान मजदूर को रोजगार नहीं, मजदूर 2000-3000 किलोमीटर पैदल चल के, अब देखें लॉकडाउन में किस प्रकार से कर्नाटक से, तमिलनाडु से हमने देखा है, तमिलनाडु से लोग साइकिल से सफ़र करके अपने गाँव आए हैं। एक लास्ट सवाल का जवाब दे दीजिए मनीष जी, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से बिहार में चुनाव है, यहाँ भी दलित मुस्लिमों को टारगेट बनाया जाएगा चुनाव जीतने के लिए? क्योंकि ये एक पुरानी नीति रही है भारतीय जनता पार्टी की, तमाम लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसी बातें हैं भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन लोग कह रहे हैं, लोगों के मन में डर है, भय है, भय का माहौल है, दहशत का माहौल है, उनको डर है कि बिहार चुनाव से पहले कहीं कुछ दलित और मुस्लिमों के साथ अनहोनी ना हो जाए। देखिए ये तो हर संभव प्रयास में रहते हैं और यहाँ भी ये प्रयास करेंगे, लेकिन बिहार लोकतंत्र की भूमि रही है, यहाँ बड़े बड़े दिग्गज फेलियोर कर जाते हैं, और ये नरेंद्र मोदी और ये अमित शाह, ये दो गुजराती यहाँ पे बिल्कुल असफल साबित होंगे। क्योंकि आप देख लीजिए 2015 चुनाव याद कर लीजिए, यहाँ के लोगों का मैंडेट BJP के खिलाफ था, और यह परिवर्तन की भूमि रही है, और इस बार इस चुनाव में बिहार के लोग पूरी तरीके से इनको इनकी औकात दिखाने का काम करेंगे, और इनको यहाँ से इनकी सत्ता की जो अभी सत्ता का जो इन पे गुरूर छाया हुआ है, ये बहुत जल्द इनका नशा टूटेगा। लेकिन RSS लगातार कह रही कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, BJP को कोई झटका नहीं है, BJP के कार्यकर्ता जो है खुशी मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, तो इस बात का दावा आप कैसे कर रहे हैं कि यहाँ पर झटका लगने वाला है भारतीय जनता पार्टी को? देखिए आप जाके सर्वे कर लीजिए, लोग जो मजदूर, बिहार ऐसा राज्य है जहाँ के करीब 40 लाख मजदूर दूसरे राज्य में पलायन करके जाते हैं अपना रोजी रोटी के लिए कमाने जाते हैं, और उनसे जाके आप बात कीजिएगा
तो वो ऐसी ऐसे सरकार उन्हें पता नहीं है, नहीं तो वो लोग सड़क पे आ जाएंगे, उन्हें खाने का दो वक्त की रोटी नसीब नहीं है। और वैसे लोग अभी की जो वर्तमान सरकार इससे पूर्ण रूप से वो नाखुश हैं और वो किसी भी शर्त पे इन लोगों को इस बार नहीं लाने जा रहे हैं और वो नए लोगों को इस बार मौका देंगे और वो लोग बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से क्या बिहार की दलित मुस्लिम डरी हुई है, इसका सिर्फ जवाब दे दीजिए। देखिए, हम आपको बता दिए, बिहार में भी हर संभव ये तानाशाही सरकार, ये बीजेपी आरएसएस चाह रही है कि यहाँ पे दंगा भड़काए और हिंदू मुस्लिम का प्लोराइजेशन करके और उसमें फ़ायदा उठा ले। और लेकिन यहाँ के लोग ऐसा नहीं होने देंगे, हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं होने देंगे और इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और दोनों को, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को, गुजरात भेजाने का काम करेंगे। इसी चुनाव में तय हो जाएगा कि 2024 में वो गुजरात उनको जाना पड़ जाएगा। उमर खालिद के लिए क्या बिहार के जो दलित समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो सड़कों पर उतरकर एहतजाज करेंगे क्या? बिल्कुल, हमने पहले भी कहा है कि अगर उमर खालिद को रिहा नहीं किया जाता, उनके ऊपर से UAPA नहीं हटाया जाता है, तो हम लोग सड़कों पे आके उमर खालिद जैसे युवा जो संविधान के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, संवैधानिक अधिकारों के लिए, संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं, वैसे युवा क्रांतिकारी साथी के लिए हम लोग हमेशा खड़ा रहेंगे। और अगर दिल्ली पुलिस उनके ऊपर से ये धारा नहीं हटाती है तो हम लोग मजबूती से उनके साथ खड़ा रहेंगे और सड़कों पर आंदोलन करेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से आज़ादी के 72-73 साल बाद भी दलित मुस्लिमों को किस तरह तरीके से लड़ाने की एक बड़ी कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तान के राज्यों में जब जब चुनाव आता है तब तब हिंदू और मुसलमान का एक कार्ड खेला जाता है। इस बार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार जैसे राज्यों में, छोटे और पिछड़े राज्यों में, इस बार कोई दाल गलने वाली नहीं है, बीजेपी सरकार पर लगातार प्रहार किया जाएगा। आपको बता दें कि बहुल्य क्षेत्र में से दलित मुस्लिमों की संख्या इस समय बिहार में काफ़ी है, जो कहीं ना कहीं इस बार शिरकत में और पूरा विरोध कर रही है कि भाजपा सरकार, मोदी सरकार की नीतियों का लगातार विरोध कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी। धन्यवाद।